आज बसिब श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक अपराह 4:30 नीलाद्री भक्त निवास बैठक हेब गजपति महाराज अध्यक्षतार यह बैठक हेब श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प निर्माण प्रसंग उपर आलोचना करा जाय पारे स्नान पूर्णिमा एवं रथयात्रा प्रस्तुति नहीं आलोचना करा जिबो तबे सेवायतों पर गुरुकुल स्थापन आवास योजना आदि प्रसंगे आलोचना करा जिबो तबे दिन 11 बसिब गुरुकुल सब कमिटी बैठक गजपति अध्यक्षतार हेब प्रथम बैठक गुरुकुल नहीं प्रस्तुत हेब बाइल बाइल गुरुकुल रूपरेख आदि नहीं आलोचना करने गुरुकुल निर्माण करने संस्था आदित्य बिल्ला सह एमओयु स्वाक्षरित होपे अपराह श्रीमंदिर परिचालना कमिटी रे प्रस्ताव पर यह अनुमोदन लाभ कर आलोकास्तोष आम पूरी प्रतिनिधि जोड़ी सारी आम सहित तेज श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक पर ओडावासी नजर रही आलोक कारण अनेक गुड़े प्रसंग रही सहित जो प्रकल्प को लेकिन बद लगि रही कौन प्रतिक्रिया नजर रहा निश्चित कमलाकांत आज श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक पर सारा ओडावासी नजर रही आपड़ जानते आज दुई दुईट गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित हो प्रथम बैठक टी अपराह 4:30 बेले नीलाद्री भक्त निवास गजपति महाराज अध्यक्षतार परिचालना कमिटी बैठक अनुष्ठित हो और मुख्य प्रसंग पलट परिक्रमा मार्ग प्रकल्प संपर्क कारण बिवाद वर्तमान परिक्रमा मार्ग प्रकल्प अच्छी ब्याकफुट्रे राज्य सरकार अच्छा जेहेतु एएसआई अनुमति नहीं ना जो भाव जबरदस्त निर्माण कर सबुरी आड़ राज्य सरकार को तीव्र समालोचना शिकार होगा पड़ी यह छड़ा स्नान जात्रा और रथयात्रार प्रस्तुति पर आज 4:30 बैठक में आलोचना हो पाए कि दिन 11 गजपति महाराज अध्यक्षतार गुरुकुल सब कमिटी बैठक अनुष्ठित हम आप जानते जो प्रस्ताव था आदर्श गुरुकुल सेवायत मानी सेवायत घर पाई तापर गोटे बाइल प्रस्तुत हो बाइल पर संपूर्ण रूपरेख प्रस्तुत हो निहत भाव में जो निर्माणकारी संस्था आदित्य बिल्ला सहित आज एमओयु हो पाए यार सविशेष आलोचना व सविशेष अनुमोदन परिचालना कमिटी बैठक में नि दिन 11:30 गुरुकुल सब कमिटी बैठक जिते अनुषित हम गजपति महाराज अध्यक्षतार बैठक में पूरीर श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक वीर विक्रम यादव रे श्रीमंदिर उपमुख्य प्रशासक तथा पूरी जिलापाल समर्थ वर्मा रे चारिजण परिचालना कमिटी सदस्य रे विशेषकर जो आदर्श गुरुकुल सेवायत आवास योजना तार उपर विशेषकर आलोचना हो पाए कि सब फोकस रही आदर्श गुरुकुल कारण दीर्घ वर्ष ये प्रोजेक्ट सेवायत घर पिला आदर्श गुरुकुल निहाती आवश्यक बोले अनेक बैठक में मत प्रकाश पाई जगह चिन्हट कराई से आज गोटे बाइल प्रस्तुत हो और संपूर्ण रूपरेख कौन हम एमओयु कर आदित्य बिल्ला सहित नजर रही कितु सबुठ बड़ कथ हूँ परिचालना कमिटी बैठक जेहेतु 4:30 गजपति महाराज दिव्य सिंह देव के अध्यक्षतार परिचालना कमिटी बैठक अनुषित हो बैठक पर समस्त नजर रही कारण जो भाई भाव में बिना जीपीआरएस बिना एएसआई अनुमति में जो भाई भाव में बड़ बड़ निर्माण कर श्रीमंदिर को विपद में पकड़ा और आप देखिए जो भाई भाव में बिना जीपीआरएस कराला ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार सर्वे कराला नहीं जहाँफल दुईट ऐतिह सिंह मूर्ति परित्यक्त अवस्था अवहेलित अवस्था जराजीर्ण अवस्था उधार होगा जहाँ को नहीं राज्य सरकार को सबुरी महल समालोचना करने को पड़ा ताद आज अनुषित हो और बैठक में मुख्य प्रसंग हो पाए कि आम दृश्य देखा चाहिए आम अच्छे कमलाकांत रथकार आप जानते आसंता का राति पाइले पवित्र भौरी जात्रा श्रीक्षेत्र में जो भौरी जात्रा रही अन्य परंपरा रही कहीं आप जानते आसंता का दुईट चक सह गोटे अख डेरा जीव अर्थात चक अख डेरा नीति आसंता का संपन्न हम आप जानते सकाल रूप पर जिते महाप्रभु आज्ञामाड़ आसो जिते तीन बाड़ तीन जन पूजा पंडा सामत आज्ञामाड़ नहीं आसवे रथखड़ा जो भी चक अख डेरा नीति संपन्न हम से आज्ञामाड़ रखे और भोई सेवायत द्वारा आसंता का प्रथम हरिवल कमलाकांत पड़ो ये आप देखुं सीधा सड़क दृश्य रथकड़ा संपूर्ण चलचंचल हो पड़ी पाखापाखी 190 रु ऊर्ध महाराणा सेवायत भोई सेवायत समस्ते समस्त एक समन्वय में बर्तमान रथ निर्माण प्रक्रिया द्रुतगति आगे चलती आम चेष्टा कर आलोचना करने को आम सहित बालकृष्ण महाराणा रही सहित टी आलोचना करवा कमलाकांत जेहेतु रथखड़ा संपूर्ण रूपए चलचंचल हो पड़ी आम चेष्टा करवा आलोचना करने को आज्ञा बड़ पवित्र दिन का चकख डेरा नीति संपन्न हम कल जगन्नाथ निर्मित का बहुत बड़ दिन आम आसंता काठ जो भौरी तिथि जो दुई गोटी चक गोटे अख डेरा नीति संपन्न हम तीन रथ तीन बाड़ू तीन गोटे आज्ञावल आसिक पूजा बड़े सांत मैंने नहीं आसिक महाराणा सेवक को मुख्य महाराणा हाथ देवे और मुख्य महाराणा सी तीनो आज्ञावल को चक उपर लागे और तापर आम जो अच्छा चक्र निर्माण कार्य सरला 42 आम तीन रथ प्राय 15 चक सरला बड़ बाड़ सतट चक
ଜଗନ୍ନାଥ ସାତଟା ସୁଭଦ୍ରା ଘାଟର ଛଅଟା ଯାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ କମଳକାନ୍ତ, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ, ରଥକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ରଥକଳାରେ ଯେଉଁ ନିୟୋଜିତ ସେବାୟତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନେଇକି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। ରାତି ପାଇଲେ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଭୋରୀ ଯାତ୍ରା, ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଚକ ସହ ଗୋଟିଏ ଅଖ ଡେରାଯିବ, ଯାହାକୁ ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତି କହନ୍ତି, ଏବଂ ଭୋଇ ସେବାୟତ ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଥମ ହରିବନ ପକାଇ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆସ୍ତୋଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ରଥଖଳାରୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିପାରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।